कुणाल, गेस व्हाट अनोखी मिली मुझे मंदिर में। अच्छा, तभी मैं कहूँ आपकी आवाज में, आपकी टोन में ना एक फ्रेशनेस फील हो रही है। आप तो बड़े खुश हो गए होगे उसे देखकर। हाँ कुणाल, अपन ड्रामा बंद कर और जल्दी से यहाँ आ जाओ। कहाँ है तू? हाँ हाँ, बस फटाफट आ रहा हूँ मैं। इसने पक्का मुझे मार्केट में देख लिया है, कुछ तो प्लान कर रहा है। पंडित जी, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति कितने की है? ये बिकाऊ नहीं है मैडम। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ 250 है, ये लीजिए। मैडम मैंने कहा ना, ये बेचने के लिए नहीं है। वो एक्चुअली ना मेरी मामा लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी फैन है, आई मीन भक्त है। प्लीज आप दे दीजिए ना। हाय, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं बेटे, मैंने भी तेरे सारे प्लान्स फेल नहीं कर दिए ना, तो मेरा भी नाम अनोखी तिलक मेहरा उर्फ एटीएम नहीं। इन मैडम को ये महालक्ष्मी की मूर्ति चाहिए, पर ये बिकाऊ नहीं है। ऐसे क्यों? मतलब ये मूर्ति भी तो आपके स्टॉल पे ही है ना? यहाँ की कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है। हमारी संस्था ने ये स्टॉल इसलिए यहाँ डाला है ताकि आजकल के बच्चों को भगवान और भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान मिल सके। लेकिन अंकल, भगवान का ज्ञान देने में और मूर्ति बेचने में क्या कनेक्शन? वो दोनों तो आप एक साथ भी कर सकते हो। मैडम, यहाँ की कोई भी चीज पैसों से नहीं ली जा सकती। अगर सचमुच आपको ये लक्ष्मी माँ की मूर्ति चाहिए तो उसका एक तरीका है। आपको माँ लक्ष्मी माँ के मंत्र बोलते हुए इस कुंड में डुबकी लगानी पड़ेगी। लक्ष्मी माँ के 7 चांदी के सिक्के लेकर बाहर आइए, उसके बाद ये मूर्ति आपकी। क्या हुआ, नहीं हो सकता ना? आजकल की जनरेशन में इतनी हिम्मत कहाँ है? अंकल जी, हिम्मत की बात तो आप मुझसे मत ही कीजिए, वो तो मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है, रैशेस भी हो जाते हैं और सर्दी भी लग जाती है। नहीं तो मैं एक मिनट नहीं लगाती, मैं कूद जाती अभी। और वैसे भी अगर मेरे मम्मा लक्ष्मी माता की इतनी बड़ी भक्त ना होती ना, तो मैं यहाँ खड़े होकर अभी आपसे बात भी नहीं कर रही होती। ओ हेलो। हाँ, अरे बाप रे, तुषार सर, इनको अभी वीडियो दिखा देती हूँ, अच्छा मौका है। भेज दिया ना मैकेनिक को? हाँ ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास। ठीक है ठीक है ठीक। अब ये मुझे इंप्रेस करके वीडियोस और फोटोज डिलीट कराना चाहता है। कर बेटा कर, जो करना है कर, लेकिन तेरी तो शामत पक्का है। प्लीज बेटा बाहर आ जाओ। Oh,
दीजिए प्लीज, पढ़िए ना इसे बाहर आने को। बेटा बाहर आ जाओ, तुम बीमार हो जाओगे, प्लीज बेटा बाहर आ जाओ, हाथ मार लो बेटा, प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ। ये काम वाली इतना परेशान क्यों हो रही है? सब छो पैसे हे भगवान, बेटा अरे बाहर आ जाओ, अरे बाहर आ जाओ, अरे क्या कर रहे हैं? बेटा बेटा प्लीज बाहर आ जाओ। ये कुंड तो बीच में बहुत गहरा है। पढ़ ली है बातें तेरे दिल की, लफ्जों में कैसे कहूँ ये प्रेम कहानी अनोखी। तू मेरा सरमाया और मैं तेरा साया, ये तो कोई ना जाने मुझ में तू है समाया। दिल में हलचल सी कर गई है तू, कहना चाहूँ मैं तुझको बार बार। तुमसे हो गया है प्यार, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे ओ, क्या करे ओ, क्या करे क्या करे। तू ताज मेरा सर ताज मेरा, तू कल है और तू आज मेरा, मैं शुरू हूँ और तू साज मेरा। ओ बेटा तुम ठीक तो हो ना? पागल पागल हो गया क्या? करे थे ये सब, पता तुमने कितना रायता फैला दिया था, सब लोग कितनी टेंशन में आ गए थे। मैं तो बस क्या, मैं तो बस क्या जरूरत थी कूदने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो, और वो भी सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति के लिए। लीजिए ये मूर्ति आपकी हुई। मगर मैंने तो सिर्फ 6 सिक्के निकाले थे ना। बेटा आपने सिक्के तो साथ ही निकाले थे, ये तो किस्मत की बात है कि एक सिक्का वापस गिर गया। वैसे भी भगवान श्रद्धा देखते हैं, फल नहीं। बधाई हो, माँ की कृपा तुम पर बनी रहे। थैंक यू। ये लो अनोखी, आपकी मूर्ति लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे तुम तो
थैंक यू सो मच। तुम पानी में क्यों कूदे? बचपन से लेकर आज तक तुम कभी ठंडे पानी से नहीं नहाए। गर्मी में भी तुम्हें गर्म पानी चाहिए, और आज तुम ऐसे। आज मैं बहुत खुश था कल्पना। और इसमें मैं किसी और को दुखी देख ही नहीं पा रहा था। उसे मूर्ति नहीं मिली तो कितनी मायूस हो गई थी। तो मैंने बस ये सोचा कि आज मेरी खुशी में उसको भी खुश कर लो। मुझे तो खुशी होती है आपके चेहरे पे खुशी देख के। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी की खुशी के लिए इस तरह बिना सोचे समझे कुछ भी कर दूंगा। क्या हो क्या रहा है मुझे? मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।